कोरोना महामारी का संकट हर तरफ फैला है। कोई भी इस महामारी से अछूता नहीं रहा है। इस महामारी की मार ब्लड बैंकों में भी पड़ रही है। बिलासपुर के ब्लड बैंक में पिछले कुछ दिनों से रक्त की भारी कमी आ रही है। इसी के चलते आज व्यास रक्तदाता समिति ने ब्लड बैंक बिलासपुर में रोटरी क्लब बिलासपुर के सौजन्य से रक्तदान शिविर का आयोजन किया। रक्तदान शिविर में व्यास रक्तदाता समिति, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद व रोटरी क्लब के स्वयं सेवकों के द्वारा और रक्त सेवकों द्वारा रक्तदान किया गया। रक्तदान शिविर में 37 यूनिट रक्तदान एकत्रित किया गया। समिति के अध्यक्ष करण चंदेल ने कहा कि इस महामारी में रक्त की कमी चल रही है, जिसके चलते आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। उन्होंने सभी रक्त सेवकों और रक्त सेविकाओं का रक्तदान करने पर आभार व्यक्त किया है। रक्तदान महादान, दुनिया में इससे बढ़ के कोई दान नहीं है। और कोविड के इस टाइम में जो प्लाज्मा की जरूरत पड़ रही है, वहाँ हमारे रक्तदाता एक बहुत ही मानवता के प्रति अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। मैं उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। कैंप लगा हुआ है कोरोना का महामारी के चलते, जहाँ हर तरफ त्राही त्राही बची है, वहीं रक्त की कमी भी ब्लड बैंक में महसूस हो रही थी, जिसे देखते हुए हमने ये रक्तदान शिविर आज मिनी रक्तदान शिविर यहाँ पे रखा है, और ताकि मरीजों को जो है रक्त उपलब्ध करवाया जा सके। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता और कुछ और हमारे जो है रक्त सेवक हैं, वो यहाँ पर आज रक्त दान करने पहुँचे हैं। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा उन सभी रक्त सेवकों का, प्रशासन का जिन्होंने हमें अनुमति दी, और हिमाचल सरकार का जिन्होंने रक्तदान कैंप लगाने की अनुमति प्रदान दी। और मैं इसके अलावा जो हमारा ब्लड बैंक स्टाफ है, इन सभी का और अपने सभी समिति के सदस्यों का धन्यवाद करता हूँ। और आपसे निवेदन करता हूँ कि आप भी समय समय पर रक्तदान करें, स्पेशली वैक्सीन लगाने से पहले तो आप अवश्य रक्तदान करें।